Hello friends and welcome to our channel The Indian Law. Today we are going to study child and juvenile. So let's get started. Here is the introduction. A child is born absolutely innocent, but certain social and environmental factors in a negative aspect diverts their minds in criminal tendencies whose removal might mold them into a person of stature and excellence. We all know that children are the assets and wealth of any nation. बच्चा जो होता है बिल्कुल मासूम पैदा होता है, पर कुछ सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके आसपास की नेगेटिविटी उसका माइंड क्रिमिनल और गलत चीजों में डाइवर्ट कर देते हैं। अगर हम ये सब उसकी जिंदगी से हटा दें, तो वो बच्चों को ऊंचाइयों और एक्सीलेंस सफलता की ओर ले जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बच्चे किसी भी कंट्री की असेट होते हैं और ताकत होते हैं। अ पर्सन हु हैज नॉट रीच्ड द एज ऑफ 14 इज कंसिडर्ड अ चाइल्ड ऑफ टेंडर एज। जो पर्सन 14 साल का नहीं हुआ हो वो चाइल्ड ऑफ टेंडर एज, नाजुक उम्र का बच्चा माना जाता है। जस्ट टू क्लेरिफाई, चिल्ड्रन लूज देयर स्टेटस एज अ चाइल्ड ऑफ टेंडर एज ऑन देयर 14th बर्थडे। बच्चे जो होते हैं उनका टेंडर एज होने का जो स्टेटस है वो उनके 14th बर्थडे पे लूज कर देते हैं। 14th बर्थडे के बाद से दे आर कंसिडर्ड एज अ अपग्रेडेड चाइल्ड, एज अ अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड। हाउएवर, इन सम ज्यूरिसडिक्शंस द टर्म इंक्लूड्स चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 21 इयर्स इन एरियाज सच एज चाइल्ड कस्टडी एंड चाइल्ड सपोर्ट। वैसे कुछ ज्यूरिसडिक्शंस में 21 इयर्स तक के बच्चे चाइल्ड कस्टडी और चाइल्ड सपोर्ट के रूप में माने जाते हैं के बीच में इन्वॉल्व होते हैं। रिसेंटली जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। जुवेनाइल्स हैव गॉट सीरियस फॉर्म्स ऑफ डेलिंक्वेंट बिहेवियर विच मे हैम्पर द स्टेबिलिटी एंड सोशल कमांड ऑफ अवर सोसाइटी। रिसेंटली जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी यानी कि किशोर अपराध क्रिमिनोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया है। जुवेनाइल्स को क्रिमिनल बिहेवियर, अपराधी व्यवहार जैसा सीरियस रूप मिला है, जैसा सीरियस फॉर्म मिला है, जिससे हमारी सोसाइटी और हमारे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। द वर्ड डेलिंक्वेंसी हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेलिंक्वेरे विच मीन्स अवे एंड लिंक्वेरे दैट इज to leave, thus mean by to leave or to abandon. Initially, the word was having primarily meaning and applied to those parents who have abandoned and neglected to their children. Nowadays, it is applicable on all those children who are involved in illegal and harmful activities. Basically, जो word delinquency, वो एक Latin word delinquere से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है दूर या फिर छोड़ देना, फेंक देना, डंप कर देना। स्टार्टिंग में ये वर्ड उन पेरेंट्स पे अप्लाई होता था जो अपने बच्चों को छोड़ देते थे या फिर ध्यान नहीं देते थे, बट आजकल ये वर्ड उन सभी बच्चों पर एप्लीकेबल है जो बच्चे इलीगल, अवैध और हार्मफुल, जैसे कि हानिकारक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ व्हाट इज जुवेनाइल, द मीनिंग ऑफ जुवेनाइल। Juveniles have got some serious forms of delinquent behavior which may hamper the stability and social command of our society. Juvenile is considered as a child who has not completed a specific age as mentioned in the law of any country and doesn't bear any resemble as an adult person and who can be made legally answerable for his criminal activities. जुवेनाइल्स ने जो है अपने डेलिंक्वेंट बिहेवियर, अपने किशोर अपराधी बिहेवियर की वजह से बहुत सीरियस फॉर्म ले लिया है, जिस वजह से हमारे देश की, हमारे सोसाइटी की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। जुवेनाइल्स जो है वो ऐसे बच्चों को माना जाता है लॉ में जो मेंशनड एज है उसे कंप्लीट ना किया हो और जिसमें कंट्री के एडल्ट पर्सन की तरह सिमिलैरिटीज ना हो और जो अपनी क्रिमिनल और इलीगल एक्टिविटीज के लिए खुद ही आंसरेबल है। जुवेनाइल इज अ चाइल्ड हु हैज अलीग्ड वायोलेटेड सर्टेन लॉज व्हिच डिक्लेयर्स हिज एक्ट और ओमिशन इज एन ऑफेंस।
A juvenile and a minor are used in different perspective in legal terms. The term juvenile is generally used in reference to a young criminal offender, and minor is related to legal capacity of a person. Juvenile एक ऐसा बच्चा है जिसने कुछ लॉस को वायोलेट किया हो या उसने कानून की नजरों में कुछ चूक हुई हो, कोई भूल हुई हो और जिसने कानून का उल्लंघन किया हो। जुबिनाइल एंड माइनर शब्द दोनों अलग अलग व्यू पॉइंट के साथ लीगल टर्म्स में यूज किए जाते हैं। जुबिनाइल वर्ड जनरली युवा अपराधी यंग क्रिमिनल के लिए यूज किया जाता है एंड माइनर वर्ड लीगल कैपेसिटी कानूनी क्षमता से रिलेटेड होता है। नाउ वी विल सी सम डेफिनेशंस ऑफ अ जुबिनाइल। इन इंडिया बिफोर पासिंग ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 1960 there was no consistency regarding age limit of juvenile delinquent. Bombay Children Act 1948 defined child means a boy who has not completed the age of 16 years or girl who has not completed the age of 18 years. Children Act 1960 के पास होने के पहले juvenile criminals की age limit को लेके कोई reliability, कोई stability नहीं थी। बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट 1948 तो ये कहता है कि चाइल्ड का मतलब होता है वो लड़का जिसने अपनी 16 इयर्स की एज कंप्लीट ना की हो, उसके बाद वो लड़का बॉय माना जाता है और लड़की तब तक माइनर, तब तक जुवेनाइल कहलाती है जब तक वो 18 साल से कंप्लीट ना हुई हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15 इयर्स ऑफ एज। सेक्शन 2C जो है फैक्ट्री एक्ट का वो ये कहता है कि चाइल्ड मतलब वो जिसने अपने 15 साल की एज कंप्लीट ना की हो, 15 साल से कम के बच्चे चाइल्ड ही कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इफ अ मेल हैज नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज एंड इफ अ फीमेल हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट भी यही कहता है कि वो लड़का जिसने अपने 21 इयर्स की एज ना कंप्लीट की हो वो चाइल्ड कहलाएगा और वो लड़की जिसने 18 इयर्स की एज कंप्लीट ना की हो वो चाइल्ड ही कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट भी यही कहता है चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14 इयर्स ऑफ एज, जिसने अपनी 14 इयर्स की एज कंप्लीट ना की हो वो चाइल्ड कहलाएगा। According to Section 3A of Dangerous Machines Regulation Act 1983, child means who has not completed his 14 years of age. Same Dangerous Machines Regulation Act भी यही बोलता है कि child वही कहलाएंगे जिन्होंने अपनी 14 years की age complete ना की हो। According to Section 2A of the Immoral Traffic Prevention Act 1956, child who has not completed the 16 years of his her age. इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ये बोलता है कि चाइल्ड वो है जिसने अपनी 16 साल की एज कंप्लीट ना की हो, मतलब 16 साल से कम के बच्चे इनके अकॉर्डिंग चाइल्ड है, बाकी उसके बड़े नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इंक्लूड्स एनी अडॉप्टेड स्टेप और फोस्टर चाइल्ड। प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी यही बोलता है कि चाइल्ड जो है वो कहलाते हैं जो कि 18 साल से कम की एज के होते हैं या फिर वो अडॉप्टेड स्टेप चाइल्ड या फिर फोस्टर चाइल्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2K इन द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 जुवेनाइल और चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट भी यही बोलता है कि जुवेनाइल या फिर बच्चा चाइल्ड वो होते हैं जिन्होंने अपनी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट ना की हो। सेक्शन 3L जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मींस अ जुवेनाइल हु इज अलिग्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ का मतलब होता है कानून के साथ आर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट में जो बच्चे कुछ ऑफेंस, कुछ क्राइम के सस्पेक्टेड होते हैं जिनकी एज 18 ईयर से कम की होती है या फिर उनसे कुछ भूल हो गई हो, कुछ क्राइम हो गया हो, उस डेट तक अगर वो 18 के नहीं हैं
तो वो चाइल्ड जुविनाइल कहलाते हैं। नाउ देयर आर सम कॉजेस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। सम फैक्टर्स विच आर नोन टू अफेक्ट द वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ क्राइम ऑकरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर एज फॉलोज। कुछ फैक्टर्स, कुछ अफेक्ट्स जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम रेशो इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि बच्चों के ऊपर हो रहे हैं, क्राइम रेट्स को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो है आर एस फॉलोज। इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूडिंग पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, मीडियन इनकम, पावर्टी लाइन, जॉब अवेलेबिलिटी, फैमिली कंडीशन, लैक ऑफ एजुकेशन, ओवरवर्क ऑफ फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चों के अगेंस्ट में जो ऑफेंस है, जो क्राइम रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। देयर आर ऑल्सो सेवरल अदर कॉजेज बिकॉज ऑफ विच ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड आर इंक्रीजिंग इन अवर सोसाइटी। देयर आर मेनी अदर रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं जिस वजह से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। सिंस एजेस चिल्ड्रन हैव बीन विक्टिमाइज्ड बाय वन अब्यूज और दी अदर। बहुत टाइम से, बहुत समय से बच्चे एक या एक दूसरे के दुरुपयोग, रॉन्ग यूज का शिकार हो रहे हैं। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट दे आर निग्लेक्टेड अलॉट। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा निगलेक्ट, बहुत ज्यादा नजरअंदाज किए जाते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ आवर सोसाइटी चिल्ड्रन हैव बीन बॉट, सोल्ड, इंस्लेव्ड, एक्सप्लॉयटेड एंड किल्ड। हमारी हिस्ट्री से ही ये देखा जा रहा आ रहा है कि बच्चे जो है वो खरीदे, बेचे, गुलामी, कैद किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जा रहा है। दे हैव बीन अबेंडेंड, सीवियरली बीटन एंड फिजिकली अब्यूज्ड। बहुत फिजिकली, बहुत गंदी तरह से उन्हें मारा जा रहा है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, गंभीर रूप से उन्हें टॉर्चर करके छोड़ दिया जाता है। पावर्टी एंड इलिटरेसी हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन फेसिंग चिल्ड्रन टू बी एक्सप्लॉयटेड इन ऑर्डर टू अर्न देयर मील अ डे। चिल्ड्रन हैव बीन यूज्ड एज स्लेव्स एंड बॉन्डेड लेबरर्स इन ऑल सोसाइटीज। गरीबी और इलिटरेसी, बिल्कुल ना पढ़ाना लिखना, उन बच्चों को एक दिन का खाना कमाने में और बच्चों के शोषण में इन चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बच्चों को हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर जगह पे मजदूरों, अपने गुलाम की तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता है, उनके साथ पेश हुआ जाता है। बच्चे नहीं, जैसे कि वो हमारे घर के मजदूर, हमारे नौकर हो गए, फ्री लेबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिस वजह से हमारे देश में जो बच्चों के अगेंस्ट में क्राइम रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसको लेकर आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं, जिस वजह से दिस रेट हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड रैपिडली। सो गाइस, ये था हमारा लेक्चर ऑन चाइल्ड एंड जुवेनाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोज़ एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।